guys, welcome to the channel React Action. How are you all? I hope you all are doing great. So in this video, I'm going to react to Mufar's song, The Shehra, जो कि Mufar vs Krishna series का song होने वाला है. हमने continue करना है इसको. He's my brother here and इसने सारे गाने देख रखे हैं पहले से ही. तो यहाँ पे इसने मेरे को हेल्प करनी है, इसने रिव्यूज देने अपने और हेल्प करनी है थ्रू आउट द वीडियो. अगर मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा वो हम करेंगे वीडियो के एंड में एक्सप्लेन. बाकी देखते हैं कि सॉन्ग कैसा है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स रिएक्ट टू द सॉन्ग. हियर वी गो द शहरा. और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम. अभी अधूरी कहानी है, सबसे ऊपर पानी है, पारा तो चढ़ेगा, सब वो ही चढ़ी जवानी है. अब आना तो पड़ेगा, बातें दुनिया को बतानी है, लोग ही बता देंगे फिर के कौन नकली प्राणी है. जो बोला मैंने फोन पे, मैं बातों पे टिकूंगा, जिंदगी भर होगी टाइपिंग पर स्क्रीनशॉट नहीं लूंगा. दुनिया के आगे बात होगी, सरेआम मात जीतूंगा, शान से आहार के सम्मान में झुकूंगा. कलमकार वाले वीक हो रहे हैं, रफ्तार कृष्णा एंटीक हो रहे हैं. पहले स्टूडियो में बंद थे जो गाने, इंडिपेंडेंट हो गए आजाद, कुछ ज्यादा ही अब लीक हो रहे हैं. खेल ही वो जिसमें सबको बनना एक नंबर, चार लौंडे साइने रहेंगे रफ्तार के ही अंडर. दुनिया जीतना चाहते पर सच नहीं बताते, पहले रियल तो बन जाओ, बाद में बन लेना सिकंदर. कहां थी मर्यादा जब बात घर वालों पे आई, कहां था भाईचारा जब भड़काया हर जाई. मर्यादा की वो बातें सारी झूठी थी, कहने को नहीं दिल से माना था तुम्हें बड़ा भाई. दिल नायर सच्चा लायर, तभी अच्छा लायर, पर मैं पक्का शायर, छोड़ के भागे लंका कायर. रफ्तार जितनी भी हो चक्के जाम, मैं सीएस का टायर. आई वाज बॉर्न फायर, तभी ओपन फायर. मैं इरिटेटिंग नहीं हूँ, तुम्हें सुनने की शक्ति नहीं, प्यार में जताने वाली आदत मुझे जस्ती नहीं. सब में है भगवान, इसलिए होती मुझसे भक्ति नहीं. मेरी कला मेरा ताज, मुझसे तुम भी छीन सकते. मेरी रजाओं के आगे तेरा खुदा क्या है, मुझसे वो पूछता नहीं है तेरी रजा क्या है. मेहनत में तो सिर्फ जोर लगता है, बॉडी का दिमाग से हराया, इन्हें पूछते के वजह क्या है. बेवजह तुम फालतू में घुसते हो, सच है भाई, सबका सोचने से बेटर रैप करो. अच्छा भाई, मौके भी दिलाओ, सबको धोखे भी खाओ, क्योंकि सबका भाई नहीं होता किसी एक का भी सच्चा भाई. था गहरा दिल था ये कहरा, निकलेगा दिवाला आज मनेगा दशहरा. जख्म था गहरा दिल था ये कहरा, निकलेगा दिवाला आज मनेगा दशहरा. जख्म था गहरा दिल था ये कहरा, निकलेगा दिवाला आज मनेगा दशहरा. जख्म था गहरा दिल था ये कहरा, निकलेगा दिवाला आज मनेगा दशहरा. दिमाग खा रहा है, एक तरफ हो जा या मुफार से मिल ले या हमारे साथ रह ले, चुतिया बनती. फिर बीच में कह रहा कि अगर तेरे को ऐसे ही तेरे को भी सांप बनना है तो चला जा, एक काम कर. और इफ यू मतलब लीव अस देन यू आर डेड ब्रो, तेरा करियर खत्म है. चुतिया बनती बहनचोद. जिक्र हरजस का किया था पहले वर्सेस में, पीछे रह गए मोटे भाई दिमाग की तुम वर्जिश में. इसी बीट पे तू डिस कर रहा था ना कलमकार को, और अब फटवीरी होगी है मुफार तेरे वर्सेस में. क्या रकम बांटो, यहाँ सारे है ज्ञानी, तुमने सुननी नहीं किसी की, बस अपनी सुनानी. निराशा है कि बादशाह की बात नहीं समझे, बंदा बनता तेज पर है कुदरत बड़ी से आनी. हवाबाजी वाली हंस की आवाज है, कुछ मुंह में लिया या गले पे अंकित का हाथ है. धंधे वाले ज्यादा दिन देते नहीं साथ है, माँ बहन बीच में ला रहे हैं जो क्या साढ़े अनाथ है. इज्जत मर्यादा की खिदमत में हाथ मत करो, लोगों को फुद्दू बना के पलटा बात मत करो. हल्का हाथ मत रखो, सच्चाई में है ताकत, इससे बेहतर है कि मुंह फाड़ को याद मत करो. लिखाई की रहेगी सदा बीफ ओपन, खाली ये कॉफिन लेट जाओ करो स्लीप टोकन. दुनिया की सुन सुन के हो गया मैं बहरा, हर बीट लगे हेवन, मैं लिरिकली बीट होवन. गाने बन रहे नहीं परेशाने सारे बन रहे हैं, कलमकार करमा लेके भी ये काले काम कर रहे हैं. इज्जत है कमाई भाई, खौफ तो है लाजमी, कैमरा के पीछे ये कुछ सारे काम कर रहे हैं. गानों में फेमिनिस्ट ये असलियत से दूर है, परिवार तो बनाया पर सिखाए नहीं उसूल है. गाली माँ बहनों को पड़े शेयर करते ये जरूर है, ये रिस्पेक्ट वुमन बोल के शायद खुद गए भूल है. DNH मतलब दारुण हैश, दूसरों के ड्रीम और हसल पे अटैक. खुद करे नशे ये मना करे दूसरों को, कहाँ से है रियल ये कहाँ गए फैक्ट्स. लिख लिख के है बदली मैंने हाथों की लकीरें, हकी है लड़ाई लड़नी होती है सभी ने. ये कर्मा है जो पड़ गया उल्टा इनके सीने, मेरी माँ के आंसू झूठे हैं तो सही किया हनी ने. जख्म था गहरा दिल था ये कहरा, निकलेगा दिवाला आज मनेगा दशहरा. जख्म था गहरा दिल था ये कहरा, निकलेगा दिवाला आज मनेगा दशहरा. उठी चिंगारी सीने में तो आंच बन गए,
मेरे हथियार ये कलम और साज बन गए। जन्मे तो हम भी आम इंसान ही थे, इंसानियत समझ ली तो महाराज बन गए। आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए हर गाने को, हर गाने को इंडिविजुअली देखना चाहिए। और अगर हम बीफ की बात करें तो इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप हेट नहीं कर सकते इंडिविजुअल आर्टिस्ट को किसी, क्योंकि उन्होंने अपने स्किल को इम्प्रूव करके जो गाना रिप्रेजेंट किया है हमारे सामने। मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई और रैपर हो तो वो इतना अच्छे परफॉर्म कर सके, या फिर कितना अच्छा इन्होंने प्रूव करके दिखाया खुद को कि किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, कि हम उसकी सिर्फ बीफ की वजह से एक को हेट करें और एक को लाइक करें, ये मेरे को लगता है ये सही तरीका नहीं है किसी बीफ को जज करने का। और इस गाने में जो पर्सनल मैं तुम्हें बताता हूँ कि रेफरेंसेस क्या क्या थे, एक बात था कि मेरे माँ के आंसू छूटे तो सही किया हनी ने, हनी सिंह की बात हो रही है यहाँ पे। और जब बहुत पहले माफिया मुंडीर करके टीम होती थी जिसमें हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार एंड बहुत सारे और रैपर भी और सिंगर्स होते थे, तो उस टाइम पे ऐसा बोलते थे कि ये सारे काम मोस्टली सारे करते थे लेकिन हनी सिंह सारा क्रेडिट ले जाता था। तो उसके बाद हनी सिंह और इनकी लड़ाई कुछ हो गई थी, उसके बाद सारे अलग हो गए, माफिया मुंडीर अलग होगी, तो आई थिंक इसको क्रेडिट नहीं मिला था इसके काम का रफ्तार को। तो हरजस की कॉल रिकॉर्डिंग भी बताई है इसने कि अभी मेरे को अंकित खन्ना जो इनका प्रोड्यूसर है, मेरे को लगा नहीं था कि कॉल रिकॉर्डिंग डाल दी, नहीं डाल दी इसने। और क्योंकि ये मेरे को लगता है मुफाड़ एक ऐसा बंदा है ना कि ये रियल रहने की कोशिश करते हैं बेसिकली। और आई थिंक हरजस ने पहले शुरू किया तो इसको फिर हाँ बहुत हर्ट हो गया, क्योंकि ये दोनों पर्सनल मतलब पहले ये दो भाई की तरह रहते थे ना आपस में, फिर बाद में इसको कलमकार के प्रेशर में आना पड़ा, इसने खुद जो बोला गाने में कॉल रिकॉर्डिंग में कि मेरे को अंकित खन्ना जो प्रोड्यूसर है वो बोल रहा है तो इसकी साइड चले जाए तो हमारे साथ ही रह ले, है ना, फिर वाली बात बताई बीच में। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे को गाना बहुत अच्छा लगा, बीट भी काफी इंटेंस, एक्चुअली बीट सेम मतलब जो मेलोडी है उसको छोड़ के बीट, एक्चुअली बीट पैटर्न जो होता है गाने का वो एग्जैक्टली छुपा रुस्तम जैसा है। उसने बोला था सेम बीट पे मैं तो डिस कर रहा हूँ, काफी इंटेंस बीट थी गाइज, और सॉन्ग भी काफी इंटेंस था। सो ओवरऑल गाना काफी अच्छा था। आपको हमारा रिएक्शन इस गाने पे कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हो, और हम नेक्स्ट किस पे रिएक्ट करें इसके अलावा वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय बूम।